आयोजक हैं पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18। इस खबर के प्रायोजक हैं वसीम अहमद सिद्दीकी, भावी उम्मीदवार, ग्राम प्रधान सराय छबीला। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। झांसी जिले के थाना अंतर्गत है चिरगांव थाना। चिरगांव थाने के अंतर्गत आने वाले सिया सुल्तानपुरा के पास मेन हाईवे पर बेखौफ होकर धड़ल्ले से बेची जा रही है अवैध कच्ची शराब कंजर जाति के लोगों के द्वारा, जिस पर कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम सब ने ठाना है गांव को स्मार्ट बनाना है, ग्राम सुनेहरा से। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मुशर्रत, पत्नी मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रधान सुनेहरा से। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर शाद गुप्त रोग विशेषज्ञ, हापुड़ रोड, गुलावटी, बुलंदशहर। चिरगांव पुलिस देख कर भी अनजान बनी हुई है। आए दिन सड़क पर हादसे होते रहते हैं क्योंकि नशे में धुत लोग मेन हाईवे पर पड़े रहते हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बेखौफ होकर बेची जा रही अवैध रूप से कच्ची शराब, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। झांसी से मंडल ब्यूरो संतोषी प्रजापति की रिपोर्ट। क्यों छुपा रही हो आप दादू? छुपा रही हूं। तो आपने बंद क्यों कर दिए दारू? पी तो रहे थे आप। हम बंद करे, बीड़ी पी रहे। तो पियो ना आप दारू। पी लो का पी का रोग हमें लेता को हम पी रहे ठाणे का हमें पिया देखो। हम तो पी रहे, हमें वीडियो उतार ले को उतारो बराबर, हमें उतार लो। हम जे ठाणे का बटन खोल के खो जाए ठाणे का करके हो जाए बता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।